पहले दो लाइन लिखी थी तो वो बताती हूँ. मजबूर किया जिस समाज ने ये पंक्तियाँ लिखने पर, मजबूर किया जिस समाज ने ये पंक्तियाँ लिखने पर, आज उसी की तालियों से ये दिल खुश है. मेरी दोस्त ने मुझसे जस्ट पहले दिल टूटने पर बोला, तो उसी को सपोर्ट करते हुए मैं भी कुछ बोलती हूँ. प्यार तो वो हुआ जो बिना बताए और जताए हुआ, प्यार तो वो हुआ जो बिना बताए और जताए हुआ, जो दूर से हुआ, खाली उसे खुश देखकर जब मन खुश हुआ, बस वही प्यार हुआ. जो बता कर हुआ वो समझौता हुआ, अपनी ज़रूरतों को पूरी करने की नुमाइशों का हुआ. तो अब पोएम बताने से पहले मैं थोड़ा सा इनसाइट दे देती हूँ. पोएम में मैंने एक जगह मेंशन किया है बिल्ली, तो बिल्ली का मैंने रेफरेंस लिया है खुद से. और कुआं है वो गलतियाँ जहाँ पे हम पहुँच जाते हैं और फिर हमें समझ नहीं आता. हमें पता होता है गलतियाँ करते वक्त कि हम कहाँ जा रहे हैं, हम फिर भी कर रहे होते हैं. और फिर जब कर लेते हैं हम अपने आप को बहुत बड़ा बेवकूफ़ समझते हैं, इसलिए किसी को बता भी नहीं पाते हैं. एक कोने में चुपचाप बैठ के लिखना शुरू कर देते हैं. तो स्वागत है आपका मेरी कहानी में. हाँ, कहानी नहीं है ये नायाब या पूरी, क्योंकि मैं खुद भी हूँ अभी अधूरी. ये कहानी है उस समुद्र की, कब शांत और कब नहीं. ये कहानी है उस अंधेरे कुएं की, जहाँ मुझे खुद नहीं पता ये क्या है क्या नहीं. ये कहानी है उस बिल्ली की, उसके अंदर बैठी बिल्ली की, जो परेशान थी खुद से. वो कूदते हुए भी जानती थी, वो कूदने के बाद भी जानती थी. वो चिल्लाना चाहती थी पर वो चिल्ला नहीं पाती थी. न जाने ये चीख उसके अंदर ही सीमित रह जाती थी. उसकी इस चीख से अनजान लोग नहीं जानते थे कुएं के अंदर की बिल्ली को. कहा था मैंने स्वागत है आपका इस कहानी में, कहा था मैंने कहानी नहीं है ये नायाब. सच कहा था, क्योंकि ये डिप्रेशन नहीं. रुकिए रुकिए, हाँ ये डिप्रेशन नहीं. ये जो छिन रहा था ये था फ्रीडम ऑफ स्पीच, जो मिल रहा था वो थी एनार्की, और जहाँ पहुँच गए थे वो था अंधेरा. अंधेरा, बिना किसी उम्मीद की किरण वाला अंधेरा, जहाँ कोई रास्ता रोशनी तक ना जाता हो वो अंधेरा. बिना अगली सुबह के आगमन वाला अंधेरा, जब रोना चाहो पर कोई कंधा ना हो वो अंधेरा. हर चेहरा दिखे पर ना हो उसका चेहरा वो अंधेरा. जब सब तुम्हें चाहे पर तुम किसी को ना चाह पाओ वो अंधेरा. जब तुम चाह कर भी किसी को ना चाह पाओ वो अंधेरा. जब तुम्हें चाहते सब हो पर जानता कोई ना हो वो अंधेरा. ये डिप्रेशन ही है. कहा था मैंने स्वागत है आपका इस कहानी में, कहा था मैंने कहानी नहीं है ये नायाब. ये कहानी है उन लम्हों की जहाँ खुद को गिरते उठते देखा है. कभी खुद की तो कभी दूसरों की नज़रों में मेरे लिए विचारों को बदलते देखा है. उन बदलते विचारों से लोगों को बदलते देखा है. देखा है लोगों को मेरी मदद करते देखा है. फिर दूर कहीं उन्हीं लोगों को हाथों में खंजर लिए देखा है. देखा है लोगों को अपने पास मतलब निकालते देखा है. शायद दूर कहीं खुद को भी दूसरों से मतलब निकालते देखा है. देखा है भरोसा टूटने पर खुद को टूट जाते देखा है. देखा है दिल टूटने पर खुद को ना दिल लगाते देखा है. हाँ वो था डिप्रेशन, पर उससे भी खुद को निकलते देखा है. हर बार खुद को अकेले लड़ते देखा है. कहा था मैंने आपको स्वागत है आपका इस कहानी में. ये कहानी तब भी थी अधूरी, ये कहानी आज भी अधूरी. थैंक यू.